खबर लखनऊ से है, जहां पर टाटा बजाज कई कंपनी ने उत्पादन को चलाने में मदद की। 5 दिन ऐसे कुछ संगठन हड़ताल कर रहे हैं। कोई कहीं भी हो उनको ढूंढ के निकाला जाएगा। हम हमेशा वार्ता के लिए तैयार हैं। बिजली विभाग अभी तक 1 लाख करोड़ का घाटा चल रहा है, 80,000 करोड़ का बैंक का लोन चल रहा है। 5 साल से जो बोनस नहीं दिया गया है उसमें 1 साल का बोनस भी दिया गया है। वर्तमान में कोई कमी नहीं दिख रही है। मंत्री, कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। कल की तारीख में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हड़ताल अनुचित है। उच्च न्यायालय के आदेश को 24 घंटे हो गए हैं, उसके बाद संघर्ष समिति ने उसको भी ध्यान नहीं दिया है। हमने हड़ताल खत्म करने का निवेदन किया है। हम लोगों को पीड़ा हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया। इलाहाबाद की खंडपीठ में बड़ी गंभीरता से हड़ताल को नोटिस किया गया है। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। आज मैं फिर कह रहा हूँ और मैं ये बात 3 दिन पहले इनको वार्निंग दे चुका था, उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है।